नालंदा में गुरुवार को करंट के संपर्क में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। मामला चिकसौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भातुबिघा गांव का था। मृतक की पहचान भातुबिघा गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद का 20 वर्षीय पुत्र राजेश यादव के रूप में किया गया था। इस घटना के बारे में राजेश यादव के भाई सुधीर यादव ने बताया कि धान के पटवन कार्य को लेकर राजेश खेती की ओर गया हुआ था, जहां पहले से गिरे फूट फूट विद्युत प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया, जिसके कारण झुलसकर उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे तब उसके प्राण निकल चुके थे। घटना की सूचना जैसे घर वालों को मिली, परिजनों की भातुबिघा गांव में चित्कार गूंजने लगी। मृतक तीन भाई, तीनों में सबसे छोटा था और पार्ट वन में पढ़ाई के साथ बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा था। वहीं ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लूंज पूंज तारों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। चिकसौरा थाना अध्यक्ष उमा शंकर ने बताया कि करंट से मौत की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां शव को पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया गया है। केस दर्ज कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है।